नगर निगम मंडी की महापौर दीपाली जसवाल ने जरेल मलोरी में कंपनी में कार्यरत 27 कोरोना संक्रमित मरीजों को राशन सामग्री वितरित की। महापौर ने कहा कि ये मजदूर बाहरी राज्यों से आए हैं और यहाँ कंपनी में कार्यरत हैं, और गत दिन पहले ही कंपनी में कार्यरत मजदूर कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें आज राशन सामग्री वितरित की गई है और उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि उन्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो वे सीधे नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं ताकि उनकी हर संभव मदद की जा सके। आज हमने मलोरी गांव के जो कोरोना पॉजिटिव मजदूर हैं उनको प्रशासन की मदद से राशन प्रदान किया, और हम अपने प्रशासन को धन्यवाद करते हैं इस चीज़ का। और हमारे कर्मचारी नगर निगम के जितने भी कर्मचारी थे वो हमारे साथ, उन्होंने सहयोग किया, और जो 15 मजदूर थे यहाँ मेला में मलोरी में, और उन सबको हमने जो है राशन वितरित किया है। यहाँ की जो स्थानीय जनता है उनकी मांग है कि यहाँ पे कम से कम 27 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं, तो यहाँ पुलिस का जो एक कांस्टेबल है वो भी तैनात होना चाहिए ताकि ये लोग इधर उधर ना घूमें और जो हमारी जो गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं जो राज्य सरकार के, उनका पालन करें। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्रवासी मजदूर आसपास के क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जिससे इनकी पहचान करना मुश्किल है कि कौन व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और कौन नहीं। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि यहाँ पर पुलिस तैनात की जाए ताकि ये लोग बेवजह बाहर ना घूमें और इस बीमारी से आसपास के गाँव वालों को भी बचाया जा सके। हमारे यहाँ वार्ड में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो कि 4 लेन में कंपनी के टनल का कार्य करते हैं, तो वो लोग कई बार इधर उधर घूमते रहते हैं सड़कों पे, जो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है हमें तो उन लोगों का पता नहीं है। तो हमारी प्रशासन से ये डिमांड है कि यहाँ पे एक पुलिसकर्मी तैनात किया जाए ताकि ये लोग इधर उधर ना घूमें और पूरा गांव इस महामारी को फैलने से बचा सके।